तो अब आदि पुरुष के बाद प्रभास की अगली बड़ी मूवी सलार, जिसका टीजर आ चुका है। तो इस मूवी की हाइप कितनी है इसका अंदाजा आप इसके टीजर को मिले व्यूज से ही लगा सकते हो। सिर्फ एक दिन में इस मूवी के टीजर को 89 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और इस मूवी का टीजर कल सुबह 5 बजे आया था। तो इस टीजर के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मूवी केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट होगी या नहीं ये अभी तक प्रशांत नील ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन टीजर में कुछ ऐसी डिटेल्स है जिससे पता चलता है कि ये मूवी शायद केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट हो। तो टीजर की शुरुआत होती है टीनो आनंद के साथ, जो कि काफी सारे अफ्रीकन गुंडों से घिरे हुए है। तो टीनो आनंद उन गुंडों को बता रहे हैं कि जिस जंगल में तुम घुसे हो उस जंगल का डायनासोर है सलार। और फिर रवि बसरूर के धमाकेदार बीजेम के साथ एंट्री होती है प्रभास की। वैसे इस टीजर में हमें सिर्फ प्रभास की एक झलक देखने को मिलती है, बाकी उनका पूरा लुक रिवील नहीं किया गया है। वैसे इसके पीछे मूवी के मेकर्स का क्या मकसद है वो हमें नहीं पता, लेकिन वैसे भी कुछ दिनों में इस मूवी का ट्रेलर आ जाएगा, तब हमें वहाँ पर प्रभास का पूरा लुक देखने को मिल जाएगा। फिर आगे प्रभास गुंडों को पीटने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं और उसी के साथ ही वो देसी हथियार यानी चाकू और कुल्हाड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी हमें इस मूवी में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। और फिर हमें आगे पृथ्वीराज सुकुमारन का लुक रिवील किया जाता है, जो कि शायद इस मूवी के मेन विलन हो सकते हैं। तो इस मूवी की केजीएफ के तरह ही डार्क थीम है। तो ये मूवी अगर केजीएफ के यूनिवर्स का पार्ट होगी तो इसकी स्टोरी केजीएफ से काफी आगे की होगी, क्योंकि इसमें हमें मॉडर्न हथियार देखने को मिलते हैं। तो काफी टाइम से न्यूज आ रही थी कि सलार मूवी 2 पार्ट्स में बनने वाली है और इसी की ही कंफर्मेशन मूवी के मेकर्स ने हमें दे दी है। तो इस मूवी का नाम होगा सलार पार्ट 1 सीज फायर। तो इस टीजर में कुछ हिडन डिटेल्स है जो कि हमें केजीएफ की याद दिलाती है। तो यहाँ पर इस टीजर में एक टैंक है जिसका नंबर है C516। वैसे ये सेम लोकेशन हमें केजीएफ के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक तरीके से केजीएफ और सलार में कनेक्शन बिल्ड किया जा सकता है। तो कुछ न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चलता है कि अधीरा ने जिस बंदे को ब्रिज के पास मारा था वो किसी तरीके से बच निकला होगा और वो आगे चलकर सलार बनता होगा। तो वैसे मूवी के मेकर्स ने भी सलार को एज ए कमांडर बताया है, कमांडर यानी जो कमांड देने पर काम करे। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि सलार जो यहाँ पर कर रहा है वो शायद रॉकी भाई के कहने पर कर रहा होगा। तो वैसे इस मूवी में रेबल स्टार और पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा जगपति बाबू और श्रुति हसन भी है। तो वैसे इस टीजर को काफी अच्छी तरीके से एडिट किया गया है जिससे मूवी के लिए हाइप बनती है। तो ओवरऑल ये टीजर काफी अच्छा था और अब मैं वेट कर रहा हूँ इस मूवी के ट्रेलर के आने का। तो आपको कैसा लगा ये टीजर आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वैसे प्रभास की पिछली कुछ मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया है, तो उनकी मूवीज शुरुआती दिनों में तो काफी अच्छा कलेक्शन करती है, लेकिन फिर आगे चलकर उनके कलेक्शन में हमें काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ सिर्फ मूवी के कॉन्टेंट की वजह से होता है। तो यहाँ पर प्रशांत नील है तो यहाँ पर उनके ऊपर विश्वास रखा जा सकता है। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, ज्यादा अच्छी लगी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। I'm